प्रतापगढ़ में रहने वाली उस लड़की के साथ पहले तो बलात्कार किया गया। लड़की के चाचा ने आरोपी को खुद ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय डीलिंग शुरू कर दी। जी हाँ, पुलिस ने आरोपी और पीड़िता के बीच सुलह करवाने की कोशिश शुरू कर दी, और जब पीड़ित परिवार ने मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। थे नहीं, रात में लड़का आया, जबरदस्ती लड़की के नल के पानी भरने गए थे या कहीं बाहर निकली रही है। उसके बाद आए वो लोग घर में चुप गया, उसके बाद आई लड़की तो अंदर से बंद करके बलात्कार कर दिए। तो चिल्लाई लड़की तो हमारा भाई आया, बंद किया कमरा, उसको रात भर बंद रहा, थानेदार साहब आए लेके यहाँ से गए। ये शर्मनाक मामला प्रतापगढ़ जिले के कंधई थाना इलाके का है, जहां गांव में रहने वाला एक शख्स अपनी बीमार पत्नी को लेकर अस्पताल गया था। उसकी 18 साल की बेटी घर में ही थी। बेटी घर से पानी लेने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन इसी बीच गांव का ही चंद्रकेश घर में दाखिल हो गया। बेटी जैसे ही घर के अंदर पहुंची तो चंद्रकेश दरवाजा बंद करते हुए लड़की के साथ बलात्कार करने लगा। लड़की की चीखें सुनकर उसके चाचा मौके पर पहुंच गए और जैसे तैसे अपनी भतीजी को बचाते हुए आरोपी को कमरे में ही बंद कर दिया। पीड़िता के चाचा की माने तो उन्होंने रात में ही पुलिस को फोन करके मामले की जानकारी दे दी थी, लेकिन पुलिस कई घंटों बाद पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को लेकर थाने तो चली गई, लेकिन वहां भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया बल्कि डीलिंग शुरू कर दी गई। पीड़ित पक्ष की माने तो पुलिस खुद ही उन पर दबाव बनाकर लालच देते हुए मुकदमा दर्ज कराने से रोक रही थी, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद थक हार कर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इसी बीच पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इसी गांव का है, सौघरपुर में है, बोलते हैं हमको तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भगा देंगे यहाँ के मार के। पूरा गांव तो डाल रहा बाबू साहब, 50 लोग अभी शाम के घेरे थे हमको वहाँ पे जाके। बोले समझौता कर लो, तुम्हारी लड़की जो इज्जत चली गई तो चली गई, अब अपना समझौता कर लो। अब क्या हम समझौता करें उसमें साहब। थाना कंधई में गाँव रजमलपुर में आज लगभग दोपहर को 12 बजे सूचना मिली कि एक 18 वर्षीय युवती के साथ उसी गाँव के एक युवक ने दुष्कर्म का रात में कृत्य किया है। इस सूचना पे तत्काल एफ आई आर पंजीकृत की गई है थाना कंधई पे, 376 IPC और 310/325 SC/ST Act में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है उसको सुबह ही हिरासत में ले लिया गया था। इस मुख्य अभियुक्त का नाम है चंद्रकेश वर्मा, जो कि उसी गांव का रहने वाला है और इसकी उम्र 19 वर्ष है। पीड़िता का 161 का बयान महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में वीडियोग्राफी में कराया गया है। मेडिकल की कार्रवाई प्रचलन में है और इसके साथ साथ 164 का बयान भी अतिशीघ्र कराते हुए आगे की कार्रवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी चंद्रकेश अब सलाखों के पीछे है, लेकिन इस पूरे मामले में खुद पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है। ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि जब पुलिस ही मामले को दबाने में जुट जाएगी तो भला आम इंसान कहां जाएगा। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।